छोटी पुल के उस पार ढेका में नकली बंदूक को लेकर ज्वेलर्स को धमकाता युवक पुलिस की गिरफ्त में। छोटी पुल के उस पार सुनील ज्वेलर्स में रवि नाम का एक युवक रिवॉल्वर लहराता हुआ पहुंच गया। हम आपको बता दें, युवक रवि की दुकानदार से किसी बात को लेकर झड़प भी हो गई, जिसके चलते उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला और दुकानदार को धमकाने लगा। युवक के रिवॉल्वर निकालने से आसपास के दुकानदारों के बीच हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। तत्काल ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल हरकत में आई। उसने रवि नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान वह रिवॉल्वर नकली निकला। उस रिवॉल्वर का इस्तेमाल सिगरेट जलाने के लिए किया जाता है। साथ ही रवि के पास से कुछ नशीली दवाएं भी पुलिस ने बरामद की है। घटना के बारे में हमने पुलिस अधीक्षक से बात की। इन्फॉर्मेशन मिली थी, यहाँ पे सुनील ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ कोई एक व्यक्ति आया है कुछ ट्रांजैक्शन के लिए, कुछ जो भी उसने सामान वामान खरीदना था। कुछ बात नहीं बनी तो ऐसा पॉइंट आया कि उसने कोई कट्टा निकाला और पॉइंट आउट किया है और धमका करके वहाँ से गया है। डायल 100 में ये पॉइंट आया। डायल 100 तुरंत मौके पर पहुँची और आसपास उसने तलाश की उसी हुलिये के आदमी की, तो एक दूसरी ज्वेलरी शॉप में उसको पकड़ा गया और बाद में जब थाने ला के पूछताछ की गई, उसकी चेकिंग तलाशी ली गई, तो वो कट्टा नहीं था। वो बेसिकली एक गन होती है, लाइटर गन जिसको बोला जाता है, जिससे हम लोग सिगरेट वगैरह चलाते हैं, उसको आप क्लिक करिए तो फ्लेम निकलती है। तो वो लाइटर गन था, लेकिन वो काफ़ी इतनी बड़ी थी कि वो ऐसा लग रहा था उसको देख के कि जैसे कि वो कोई हथियार हो। और बाद में जब और थोड़ा सा गन पूछताछ लड़के से की गई, तो कुछ उसके बैग से हम लोगों को टैबलेट्स भी मिली हैं नशे की, तो ऐसा संभवतः प्रतीत हो रहा है कि वह लड़का जो है वो नशा वशा करने का आदी है और कुछ गोलियां मेडिकेटेड खा रहा है, और उसी के असर से मुझे लगता है कि इस तरह की घटना जो है उसने की है। लेकिन जाहिर है कि ये एक गंभीर रूप स्वरूप की घटना थी, क्योंकि एक ज्वेलरी शॉप में जा करके इस तरह से भले ही वो ओरिजिनल हथियार नहीं था, लेकिन उसको पॉइंट करने से काफ़ी वहाँ पर लोग घबराए शॉप में, और आसपास में भी थोड़ा सा एक माहौल थोड़ी देर के लिए बना। लेकिन डायल 100 की सक्रियता से और पुलिस की सक्रियता से उसको पकड़ा गया और मैटर का ही खुलासा हुआ। पन्नी रखेगा फिर पिस्टल निकालेंगे, देखिए ये बात कर रहा है, ये हाथ डाला। थोड़ी देर करते रहिए, पूरा चेहरा भी आएगा अभी इसका। और रवि पांडे है ना, पिता श्री रमेश पांडे, एडवोकेट रमेश पांडे जी का, उनका बालक आया और यहाँ ब्रेसलेट बेचने के लिए आया, तो मैडम हमारी जो है तो उससे ब्रेसलेट लेने से मना कर दी। भाई तुम अपनी मम्मी को बुला लो, तब हम तुम्हारा ब्रेसलेट खरीदेंगे। मैं नहीं था, मैं चला गया था चुराटा, अमर पाटन चुराटा निमंत्रण को। तो वो इन लोगों को रिवॉल्वर दिखा करके डरा रहा था कि मैं अभी काम धेनु में दो लोगों के मार के आया हूँ, अब तीसरा नंबर आपका है ना, तो मुझे जो है 2000 रुपये दो, नहीं तो मैं जान से मार दूँगा। तो इतने में ये लोग मेरे को सूचना दिए, तो मैं वहाँ से अमर चुराटा से 100 डायल किया, 100 डायल किया तो पुलिस आई और उसको उठा करके ले गई।